और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जापान में तेज भूकंप के बाद सुनामी आने की खबर सामने आ रही है। जापान ने 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। खबर ये आ रही है कि भूकंप के बाद जापान के कई इलाकों में सुनामी आ गई है, जिसके बाद जापान में कई जगह रेल सेवाएं प्रभावित हो चुकी हैं, रेल सेवाओं को रोक दिया गया है। साथ ही खबर आ रही है कि भूकंप का बड़ा झटका लगने के बाद 21 छोटे झटके भी यहां पर महसूस किए गए हैं। तो लगातार अब खतरा जो है जापान के तमाम इलाकों में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी इस तरीके के भूकंप के झटके जापान महसूस कर चुका है, लेकिन अब सुनामी का खतरा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7.6 इंटेंसिटी का भूकंप यहाँ पर आया, जिसके बाद 21 छोटे छोटे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और आप देखिए जापान की धरती किस तरीके से कांप उठी है। चार तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सुनामी का अलर्ट अब जारी किया गया है। कई जगह आगजनी की खबरें भी सामने आ रही, तस्वीरें भी सामने आ रही है, और आप रास्तों को भी देख पा रहे हैं किस तरीके से रास्तों में दरारें आ गई है। लोगों से लगातार सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है, सुरक्षित जगह पर जाने की अपील भी की जा रही है। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम नजर बनाए हुए हैं, हर संभव मदद यहाँ पर लोगों की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से इमारतों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, धरती किस तरीके से कांपी है। देखिए भूकंप के लिहाज से जापान पहले ही संवेदनशील है, और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो है जापान में इस तरीके के भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिसके बाद से आप देखिए कि कितनी इंटेंसिटी के साथ ये भूकंप का झटका महसूस किया गया है। और उसके बाद आफ्टर ट्रेमर जो शॉक्स होते हैं वो 21, उनकी इंटेंसिटी भी 4 मापी गई है। देखिए द्वीपों और महाद्वीपों से सटा हुआ जापान है, ऐसे में अति संवेदनशील ये पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पर भूकंप के तेज झटके आए दिन महसूस यहाँ पर लोग करते हैं। लेकिन देखिए ये तस्वीरें लगातार हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कितनी भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। लोग वहाँ पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफजदा हैं, हर कोई वहाँ पर एक दूसरे की मदद कर रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं उन्हें वहीं पर रहने की हिदायत दी गई है। तटीय इलाके, क्योंकि सुनामी ये कहा जा रहा है कि अनुमान से ज़्यादा आ सकती है, ऐसे में जितने इलाके तटीय इलाके हैं वहाँ से लोगों को सुरक्षित बाहर जाने की अपील की जा रही है। और आप देखिए कि कितनी इंटेंसिटी का ये भूकंप है, क्योंकि इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई है। इससे पहले 2011 में 9 इंटेंसिटी का भूकंप यहाँ पर आया था, जिसके बाद यहाँ पर भयंकर तबाही मची थी, 20,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज भी वही, क्योंकि साल का पहला दिन है, और जापान में देखिए कि किस तरीके से इस खौफनाक मंजर को झेला है। आज भयावह तस्वीरें जापान के अलग अलग इलाकों से आ रही है। भूकंप का तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रकोप है ही, इसके अलावा आप देखिए सुनामी भी यहाँ पर लोगों के लिए खतरे की घंटी बनती हुई नजर आ रही है। तटीय इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, लोगों को बाहर सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस भी लगातार जारी है। सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, आप डरे नहीं, लेकिन सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। तो देखिए कि किस तरीके से अब खौफनाक और भयंकर तस्वीरें आ रही हैं। सुनामी पर जापान के प्रधानमंत्री किशिदा का भी बड़ा बयान सामने आया, उनकी तरफ से कहा गया है कि लोगों की हर संभव मदद तो की ही जा रही है। इस बीच उन्होंने अपील भी की है कि लोग सुरक्षित जगह पर पहुंचे, लेकिन मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से माहौल यहां पर अफरा तफरी का बन गया। जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, आप देखिए पेड़ किस तरीके से हिलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा इमारतें किस तरीके से हिलती नजर आ रही हैं, कुछ पोल्स आपको नजर आ रहे होंगे वो किस तरीके से हिल रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी मौसम वहां पर बेहद ठंडा है। ऐसे में आप देखिए कि लोग किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए घरों से तेजी से आगे भागे हैं। तो ये तस्वीरें हैं फिलहाल, और देखिए आप किस तरीके से बर्फ की परतें जो है वो क्योंकि तेज झटके महसूस किए गए, भारतीय दूतावास ने कंट्रोल रूम बना लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप और सुनामी के बाद कंट्रोल रूम बनाया गया है। जापान में भारतीय दूतावास भी अलर्ट पर है, भारतीय दूतावास वहां पर बनाया गया है, क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वहां पर भारतीयों की भारतीय जो है वहां पर बसे हुए हैं वो सुरक्षित हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और यही वजह है कि भारतीय दूतावास वहां पर बनाया गया है, अलर्ट पर रखा गया है, जितने भी भारतीय इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल रूम उन्हीं के लिए बनाया गया है। कहीं आप दूतावास में कंट्रोल रूम बनाया गया है, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप इस कंट्रोल रूम में फोन कर सकते हैं। तो जापान में जो भारतीय दूतावास है वहां पर एक कंट्रोल रूम बकायदा इसके लिए बनाया गया है, क्योंकि देखिए अब यही कहा जा रहा है यहां पर जापान की सरकार की तरफ से कि सुनामी भयंकर हो सकती है, जितनी आशंका जताई जा रही है उसकी तीव्रता ज्यादा हो सकती है, ऐसे में लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की लगातार अपील।